देश भर में नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी के नाम की आंधी चल रही है। और आप नोट कर लीजिए 2040 तक नरेंद्र मोदी जी को पीएम की सीट से कोई माइका लाल हटा नहीं सकता है। देखिए निश्चित तौर पर गुजरात ने जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से, जिस तरीके से जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने विकास को चुना है, और जो दिल्ली से यहाँ से जो जाते हैं वो कहते थे कि दिल्ली में गुजरात में हमारी सरकार बन रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जमानत जब्त हुई है, ये दर्शाता है गुजरात की जनता कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेम है, और जो वहाँ गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जो प्रेम है, विश्वास है, वो भारतीय जनता पार्टी में ही विश्वास है, ये तय कर दिया गुजरात की जनता। फ्री की रेवड़ी उसने बिल्कुल नकार दी और केजरीवाल जी को चुटकी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया है। देखिए गुजरात की जीत भारत के भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत है। अरविंद केजरीवाल के मुंह पर तमाचा है। जिस तरीके से वो वहाँ पर लालच की रेवड़ी बांटने का प्रयास कर रहे थे, जनता को लालच में ला रहे थे, जनता वहाँ की समझदार है, वहाँ की जनता ने मुंह पर तमाचा मारा है कि केजरीवाल तुम वापस दिल्ली जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। 4-5 सीटें जो भी अगर आई भी होंगी तो वो भीड़ भाड़ में हवा बनाने में तो आई जाती है। कांग्रेस का दमन गुजरात से हुआ था, केजरीवाल का दमन गुजरात में हुआ। गुजरात आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है, मुद्दा की तरह बता दिया है कि देश उधर चलने वाला नहीं है। ठीक है, शुरू कर रहा है। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए वोटों की गिनती अभी भी जारी है। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी जहां बहुमत से कहीं आगे निकल गई है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बुरा हाल है। आपको सीधा ताज़ा तस्वीरें आपको बीजेपी दफ्तर से दिखा रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर जश्न का माहौल बना हुआ है। 2017 के मुकाबले इस बार दोनों ही चरणों में कम मतदान हुआ। पहले चरण में 7.20 लोगों ने वोट डाला था, जबकि 5 दिसंबर को हुए दूसरे चरण में 64% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत पर, जो कि अपना पुराना 20 साल का रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में खुद का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, जिसको लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जीत का जश्न का माहौल है। सीधा तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। माहौल दिखाने की आपको कोशिश करें, जिस तरीके से सभी कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूब गए हैं, जिस तरीके से बीजेपी की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में, और यहाँ पर जीत का माहौल, जैसा कि आपको बता दें, गुजरात के परिणाम लगातार आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक जीत की ओर है। आपको बता दें लगातार 1995 से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में काबिज है, जिसके बाद एक बार फिर उन्होंने अपना विजय पताका गुजरात में फहराया, जिसके बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं क्या लगता है गुजरात की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी और कितना मजबूत है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूरे देश भर में नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी के नाम की आंधी चल रही है। और आप नोट कर लीजिए 2040 तक नरेंद्र मोदी जी को पीएम की सीट से कोई माइका लाल हटा नहीं सकता है। कहीं ना कहीं हिमाचल में क्या कुछ कमी हिमाचल में रह गई जहां भारतीय जनता पार्टी? हिमाचल में हम सरकार बनाएंगे और मजबूती से बनाएंगे, और पूरे विश्व में अपने भारतीय जनता पार्टी का डंका बजाएंगे। इस ऐतिहासिक जीत पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐतिहासिक जीत ये नरेंद्र मोदी जी की जीत है। नरेंद्र मोदी जी का जो मेहनत है और नरेंद्र मोदी जी का जो विकास है वो लोगों को पसंद आ रहा है। विश्व भर में देश में ही नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी पसंद आए। बीजेपी दफ्तर के अंदर का माहौल दिखाने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से ढोल नगाड़े ताजे यहाँ पर सब कुछ, और जिसके साथ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, कई सारे कार्यकर्ता। गुजरात का रण, जो कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार वहाँ पर इतिहास रच दिया है, लगातार 1995 से वहाँ पर अपनी जीत का परचम लहराया है, और एक बार फिर सर क्या कहना चाहेंगे इस जीत पर, बड़ी ऐतिहासिक जीत पर? आज गुजरात जीता है, कल पूरा देश जीतेंगे। कहीं ना कहीं हिमाचल में क्या कुछ कमी रह गई? आज भी अगर कांग्रेस जिंदा है तो आगे के लिए माला जपना। क्या लगता है इस जीत से क्या संदेश मिलेगा लोगों को? पूरे देश में संदेश जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी भी लोगों का अटूट विश्वास है, और उनके आगे में कहीं भी कोई दूर दूर तक नहीं है। हिमाचल में कुछ अपने ही लोग बागी हो गए, इसके कारण थोड़ी सी कसर रह गई।
तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि तरीके से पूरे दफ्तर में जश्न का माहौल है और लगातार कार्यकर्ता यहां पर बढ़ते ही चले जा रहे हैं और कई कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं और लगातार आपको सीधा तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आपको जनता के पास लेके चलेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देने के? लगातार 1995 से अपना गुजरात में परचम भारतीय जनता पार्टी लहरा रही, क्या कुछ कहना है? देखिए निश्चित तौर पर गुजरात ने जिस तरीके से पूर्ण बहुमत से जिस तरीके से जो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने विकास को चुना है और जो दिल्ली से यहाँ से जो जाते हैं वो कहते थे कि दिल्ली में गुजरात में हमारी सरकार बन रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जमानत जब्त हुई है, ये दर्शाता है गुजरात की जनता कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेम है और जो वहाँ गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जो प्रेम है विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी में ही विश्वास है, ये तय कर दिया गुजरात की जनता। गुजरात में इस ऐतिहासिक जीत पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जीत सिर्फ गुजरात की जीत नहीं है, आज ये पूरे देश की जीत है और गुजरात की जीत ने ये बता दिया है कि देश का मूड क्या कहता है। फ्री की रेवड़ी उसने बिल्कुल नकार दी और केजरीवाल जी को चुटकी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया है। और ये वो दिन दूर नहीं कि जब 2024 में प्रधानमंत्री जी दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार केंद्र में बनाएंगे और दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है, लगातार यहाँ पर जश्न का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको माहौल दिखाने की लगातार कोशिश करते हैं और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हम जुड़ रहे हैं और बातचीत कराएंगे आपकी और आगे बढ़ेंगे। तो लगातार हम आपको यहाँ के ताज़ा तस्वीरें दफ्तर से दिखा रहे हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक जीत पर? भाई ये बड़ी बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है और देश की जनता आदरणीय मोदी जी के जो इस देश में तरक्की हो रही है उसका धन्यवाद करने के लिए पार्टी के सब कार्यकर्ता पहुँचे और उनका तहे दिल से सबका धन्यवाद करते हैं ताकि आने वाले वक्त में भारत को विश्व बनाना है और एक पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक जीत पर क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ जीत राष्ट्रवाद की जीत है, गुजरात की जनता ने मोदी जी को प्यार करा है, दिल से प्यार करा है। हिमाचल में क्या कुछ कमी रह गई? दिल्ली की जनता ने जैसे देश की जनता ने चाहा है कि 2024 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कहीं ना कहीं इस जीत के बाद क्या संदेश मिल रहा है जनता को? 2024 क्लियर है, मोदी जीत कराएंगे। दिल्ली में जैसे केजरीवाल को जैसे कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आई लेकिन मेयर अब किसका बने? जनता ने बहुत प्यार दिया है, पूरी दिल्ली जनता को दिल से प्यार है। दिल्ली जनता ने कहा हमारे को इतनी सीटें दी, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनके हाथ में ये पोस्टर है जिसमें लिखा EVM हैक हो गया, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पैक हो गया। सर इस पोस्टर से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इस पोस्टर से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाती हैं कि अगर उनकी हार हुई तो बोलते हैं कि EVM हैंक हो गया। तो ये भारत की जनता, गुजरात की जनता जो नरेंद्र मोदी में विश्वास और आस्था रखती है विकास की राजनीति के लिए, उनको फिर से जनादेश सौंपने का काम किया, ये संदेश यही है। लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल में क्या कुछ कमी रह गई भारतीय जनता पार्टी जो इस बार? वहाँ पे हमेशा से परिवर्तन होता है, एक पार्टी आती है दूसरी पार्टियों को लोग विपक्ष में रखते हैं तो हम विपक्ष के रूप में मजबूती से वहाँ काम करेंगे। जिस तरीके की दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी कम सीटें लाई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद जिस प्रकार दिल्ली की जनता ने 104 सीटों से भारतीय जनता पार्टी को नवाजा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास की राजनीति कर सकती है। तो यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं पोस्टर को लेकर यहाँ पर मौजूद थे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या माहौल है बीजेपी दफ्तर का और आगे बढ़ने की। सर इस ऐतिहासिक जीत पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए गुजरात की जीत भारत के भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत है, अरविंद केजरीवाल के मुंह पर तमाचा है, जिस तरीके से वो वहाँ पर लालच की रेवड़ी बांटने का प्रयास कर रहे थे, जनता को लालच में ला रहे थे, जनता वहाँ की समझदार है, वहाँ की जनता ने मुंह पर तमाचा मारा है कि केजरीवाल तुम वापस दिल्ली जाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, 4-5 सीटें जो भी अगर आई भी होंगी तो वो भीड़ भाड़ में हवा बनाने में तो आई जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम MCD में हारे हैं, हिमाचल में अगर हारे हैं तो इस पे अब हमें मेहनत की जरूरत है, काम की और काम की जरूरत है। काम तो हम कर ही रहे थे लेकिन और डबल स्पीड के साथ काम करेंगे और उसके बाद हम हमें जहाँ भी कमियाँ हैं जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसको भी स्वीकार है, और भी बड़ा आशीर्वाद उनका लेने के लिए हम जनता की और सेवा करेंगे। सर इस ऐतिहासिक जीत पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब कहने के लिए क्या बचा है, जनता ने
ऐसा मैंडेट दे दिया है, ये नरेंद्र मोदी जी के नीतियों का, भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट का, भारतीय जनता पार्टी के सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के चलने वाली मानसिकता की जीत है। और इस बात को आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं देश की जनता ने यह मैंडेट देकर यह दर्शाने का कोशिश किया है कि लोग जो बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी, ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप पब्लिक के लिए खड़े हैं, अगर आप लोगों के लिए खड़े हैं, तो जनता जरूर आपको चुनती है। और 27 साल 32 साल क्या, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो जनता लाइफ टर्म के लिए आपके आगे किसी को कुछ समझेगी ही नहीं। उसी नीतियों का ये जीत है। ये जीत इस बात को दर्शाता है कि आज गुजरात नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, जो कि आज के करेंट इंडियन पॉलिटिक्स के पोस्टर बॉय हैं, कितना आगे निकल चुका है। आज गुजरात की जनता फ्री की रेवड़ी के चक्कर में नहीं आने वाली है, इस बात को ये जीत दिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें दिल्ली की, वहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाती हुई नजर आई है। ये भारतीय जनता पार्टी का हार नहीं, कांग्रेस का फेलियोर था। ठीक है, कहीं थोड़ी बहुत कमी हो गई होगी वो सेंट्रल लीडरशिप और दिल्ली प्रदेश का स्टेट लीडरशिप बैठ करके उसका सामना कर लेंगे, संभल लेंगे। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी 181 सीट लेकर के आई थी MCD में, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का स्टेट जो वोट शेयर था वो 39.03% था। और आज 2022 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है वो 39.09% हो गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लोगों के नज़र में ऊपर उठ रही है, मैंडेट बढ़ रहा है। अब समय आएगा 2022 तक, 2025 तक, 2024 पहले लोकसभा का चुनाव है, फिर 25 में यही जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है ये मैंडेट में बदल के दिखा देगा दिल्ली में। लेकिन बात करें हिमाचल की, वहाँ पर इन्होंने कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है। हर एक 5 साल का रिवाज रहा है, तो आपका कहना है कि रिवाज कहते ही है, रिवाज दोहराया है। लेकिन राज्य नहीं जाएगा, राज्य वापस आ जाएगा। आप देखिएगा, आप भी हैं, हम भी हैं। और एक और बात बता देना चाहता हूँ आपको कि कहीं पे कुछ अप एंड डाउन होते हैं, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। तो हमारी सेंट्रल लीडरशिप नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में कैपेबल इनफ है बैठकर इस बात का फैसला करने के लिए, तो वो लोग बैठकर फैसला कर लेंगे और कहाँ क्या ड्रॉबैक रहा उसको निकाल करके आने वाले समय में 2024 में ही वहाँ पर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आपको दिखेगी। तो बीजेपी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, जिस तरीके से ढोल नगाड़े यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं, लगातार माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से कई यहाँ पर नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे यहाँ पर पूरे दफ्तर के अंदर गूंज रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक जीत पर, क्या कुछ कहना है आपका? कांग्रेस का दमन गुजरात से हुआ था, केजरीवाल का दमन गुजरात में हुआ। आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है, मुद्दा की तरह बता दिया है कि देश में चलने वाला नहीं है। दिल्ली में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। कोई लड़खड़ा नहीं है, भाजपा अपने बरकरार है, 40% वोट लिया है, आगे जीत विधानसभा भाजपा की बनी। बात करें अगर हिमाचल की, तो क्या कुछ कमी रह गई वहाँ पर, अपना बोलबाला कांग्रेस दिखाती नजर आ रही है। एक आध कैच छूट जाता है, छूट गया है, दोबारा आउट कर दे। के बाद क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जागा है, मोदी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। यहाँ पर कुछ लोग और जुड़ रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक जीत पर? देखिए, ये उन लोगों की जीत है जिन्होंने फ्री की चीजों को नकारा। केजरीवाल साहब, कल आपने रिजल्ट देख लिया, जो वो कसीदे पढ़ रहे थे कि 200 सीटें आएंगी या 400 आएंगी, और आज गुजरात की जनता ने मोदी जी की जो अंत्योदय वाली नीतियाँ उसको अपनाया, फ्री की नीतियों को नकार दिया। मोदी जी ने जो भारत का नाम विश्व पटल पर किया है, गुजरात की जनता ने बोल दिया कि वो उन नीतियों के साथ है। दिल्ली में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई सारे मुद्दे उठाए गए जिसमें केजरीवाल लग रहा है, इसमें साफ तौर पर केजरीवाल की जीत नजर आ रही है। देखिए, केजरीवाल की जीत तो आंकड़ों की है। आप देखिए, 15 साल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी तो होता है कुछ,
दिल्ली की जनता ने वो भी नकार दिया और 15 साल की एमसीडी में दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसके बाद भी हमें 100 से ज़्यादा सीटें आई हैं। जो एग्जिट पोल था उन सबको दरकिनार करते हुए दिल्ली की जनता ने बता दिया कि जो फ्री की नीति है, जो केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को आलसी करना चाह रहे थे उसको नकार के मोदी जी की राष्ट्रवादी नीति को अपनाया और मोदी जी की अंत्योदय वाली नीतियों को ऊपर रखा। गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग दफ्तरों में जीत का जश्न का माहौल है। यहाँ पर हमने आपको दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें अभी दिखाई, आखिर क्या माहौल था, जनता से बात करने की कोशिश करी। जिस तरीके से गुजरात ने लगातार 1995 से जीत हासिल कर रही है, एक बार फिर अपना विजय पताका फहराया है और जिस तरीके से यहाँ का आपको माहौल दिखाया और एक बार फिर अपना विजय पताका यहाँ से फहराया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।